मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है बेटा, राजू फेसिंग लेना बस बेटा, ऐसा कुछ इधर से आना बेटा, ऐसा इस तरफ रह लेना बेटा, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि मैं अपना ये ब्लॉग जो है वो इवनिंग में स्टार्ट कर रही हूँ और अभी हमारा शूट है चांदीवली में सेट लगा है और यहाँ पर एक सेकेंड चांदीवली का सेट और यहाँ हमारा सेट लगा है। ये वैनिटीज़ है और ये वाली वैनिटी है मेरी, वहाँ पर दलजीत पर जाएगी और सारे आर्टिस्ट की, देखो यहाँ से दिखेगा नहीं, ये है। पहले मैं आपको वैनिटी में लेके जाती हूँ और ये वाला जो है ये आपको मैं बाद में दिखाऊंगी जब रेडी होके हम अंदर जाएंगे। आई डोंट नो कैसा होगा ये सेट, तभी देखते हैं। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी वैनिटी में। सो दिस इज माय वैनिटी, छोटू सी है, बहुत बड़ी नहीं है, बट ठीक है। और ये मैं हूँ। तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, खुश इसलिए क्योंकि परसों मेरी फैमिली आ रही है, फाइनली वो लोग आ रहे हैं और परसों रात को 8 बजे की उनकी फ़्लाइट है तो मैं उनको लेने के लिए जाऊँगी। तो मैंने सोचा है कि ये सब मैं एक ही व्लॉग में डालूँ क्योंकि ऑब्वियसली अकेले मैं यहाँ पे क्या ही शूट करूँगी ना, मैंने आपको हमेशा कहा ही है। तो जैसे ही मैं उनसे मिलूंगी, मैं सारी की सारी मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहती हूँ। पता नहीं शिकायना का क्या रिएक्शन होगा, इतने महीने बाद मुझसे मिलने वाली है वो। और अभी फटाफट से रेडी हो जाते हैं, सेट पे चलते हैं, आपको सेट दिखाती हूँ और जो भी हम करने वाले हैं। और ये नाइट शूट रहने वाला है, मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम नाइट शूट करने वाली हूँ, तो लेट्स सी कैसा रहता है। शायद गरबा या कुछ तो है आज, तो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले रेडी हो जाती हूँ। आजकल शिकायना ने ऐसे सीखा है, ऐसे करती है। तो दिस इज माई लुक और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। और अब मैं आप लोग को लेके चलती हूँ हमारे जहाँ पे गरबा हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, पंडाल। तो मैं अब आप लोग को लेके चलती हूँ हमारे गरबा वाले पंडाल में, पंडाल ही बोलते हैं ना, वहाँ चलते हैं। चलते चलते ये लट्टू सा गिर गया था मुझ पे। हाँ ठीक है, अभी हो चुका है शूट, स्टार्ट करते हैं आज के दिन की शुरुआत और पहला शॉट लगने वाला है और आई थिंक एक ही सीन है, तो जल्दी फ्री हो जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और मैं फाइनली घर पहुंच गई थी, 5:30-6 बजे के आसपास घर पहुंच गई थी और सब लोग सो गए थे। कल इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि मैं चाबी घर यहाँ पर छोड़ना भूल गई
और ये लोग बेचारे एक घंटे तक बाहर रहे, और कैसे करके महेश ने, कोई चाबी वाला भी नहीं मिल रहा था इतना लेट, तो महेश ने सारी चीज़ें हैंडल करी, कैसे वो तोड़ा है लॉक। और मैं तो सुबह ही पहुंची हूँ, लेकिन उसके बाद ये लोग सोए थे, मैं खाना वगैरह सब बना के गई थी। अभी धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सब सोए हुए हैं, सिर्फ एक मैडम जा गई है। और मैं पूरी रात शूट करने के बाद, कल भी मैंने पूरी रात शूट किया, फिर मैं सुबह तैयारियों में लग गई, फिर हार्डली मैं 2 घंटे सोई होंगी, उठ के फिर मैंने दोबारा से सारा खाना बनाना, इसके लिए गिफ्ट्स जो लेकर आई थी वो रैप करना, और भी मेरे कुछ खुद के भी पर्सनल बहुत सारे काम थे, वो सारे भाग दौड़ में रह गए। और उसी चक्कर में मैं जल्दी जल्दी चाबी ही घर पे छोड़ना भूल गई, मैंने सारी चीज़ें सॉर्ट की थी वो रह गई थी, इतना गिल्ट हो रहा था मेरे को। अभी मैं आपको मिलाती हूँ मेरी जान से, मेरी शिकायना से। शिकायना सी हाय, या इधर इधर हाय, ऐसे कर दो सबको, हाय गाइस, हाय हाय गाइस, हाय। और मम्मा को किसी कर दो, तो फाइनली मेरा बच्चों मेरे पास आ गया, और अब मैं डेली व्लॉग बना रही हूँ। तो अभी अपने टॉयज के साथ खेलना शुरू हो चुकी है, पूरा सामान फैला हुआ है, तो हाँ नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन व्हाट इट्स ओके, व्हाट से इट अगेन, ये इतना आई डोंट नो ये क्या बोलते हैं, पहले मैं उनसे मिलती हूँ और फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो ये है मेरी मम्मी, यहाँ देखो देखो, इनको शर्म आ रही है क्योंकि सुबह सुबह मेरे को मत दिखा ऐसे पर भाई। और ये है मेरी मेरी लाडो, ये है मेरी लाडो, मेरा बच्चा, मेरे सोने में जाना। आमा को दो ओपन करने को, आमा को दे दो, लुक डॉगी, इज़न्ट इट क्यूट शिकायना, से थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा, एंड थैंक यू, थैंक यू मम्मा, मम्मा मम्मा लेके आए बेटे ये, मम्मा को भी थैंक यू बोल दो। अच्छा किसी कर दो, किसी कर दो, अच्छा लुक एक और चीज है, What is it? What is it? ये अपने टॉयज़ के साथ बिजी हो गई है, अब मैं भी फटाफट से कुछ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ पहले, और उसके बाद सोऊंगी मैं, पता नहीं कब सोऊंगी, अगर सो पाई तो नाइट शूट फिर से है, अभी मेरी आवाज़ भी, तो मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। तो अभी मैं और शिकायना हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा सुबह सुबह का सामान लेने के लिए, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो है नहीं, तो हम लोग निकले हैं फटाफट से सामान लेने के लिए, हमें शिकाय ना सुबह सुबह आइसक्रीम की डिमांड होगी, ये फर्स्ट डिमांड है, फर्स्ट डे, इसलिए इट्स ओके, अदरवाइज नो। तो इसी के साथ मैं अपने ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।